अब हम लोग आगे बनाएंगे। देखिए आगे में यहाँ है एक नंबर 17.5 में एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, यदि बी 90 डिग्री, एसी 7.5 सेंटीमीटर और बीसी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमको 90 डिग्री बी में बोला गया है, इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीसी बोला है हम लोग को खींचने के लिए 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग बीसी खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर बन गया, यह है बी और सी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है बी में 90 डिग्री कोण बनाने बोलिए बोला गया है, ठीक है। बी में 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए बोला गया है, बी में 90 डिग्री का कोण बनाने बोला है। तो बी में 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें से आर्क बनाना होगा, ये बी में रख दिए, बना दिए 90 डिग्री जैसे बनाना है आपको, जल्दी से बना लीजिए आप। ये 90 डिग्री बन गया। जितना दूर ये लाइन जाए आपको भेज दीजिए। उसके बाद बोला है एसी, देखिए एसी 7.5 सेंटीमीटर, एसी 7.5 सेंटीमीटर इस तरह से नाप लीजिए आप, 7.5 यहाँ है, उसके बाद पूरा यहाँ कर दीजिए। देखिए 7.5 ये आपका पूरा नापा नाप लिए, उसके बाद यहाँ से आप सीधा रखिए इसको, जहाँ कटता देखिए यहाँ कट रहा है वहाँ काट दिए और मिला देना है आपको, जहाँ कटा वहीं मिलाइए। इसका नाम हो गया ए 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका बनकर रेडी हो गया। अब आइए हम लोग दो नंबर में, ठीक है दो नंबर में आइए। तो दो नंबर में प्रश्न हम लोग देख लेते हैं पहले क्या बोलता है प्रश्न, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, दिखाई पड़े आपको अच्छा से। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना की, जिसमें यदि कर्ण 6 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आधार तो बोल दिया हम लोग, आधार पहले बनाना होगा, ठीक है। तो आधार, चलिए आधार बनाते हैं पहले। आधार कितना बोला है देखिए 5.5 सेंटीमीटर, तो आधार 5.5 सेंटीमीटर खींचिए, 5.5 सेंटीमीटर ये आपका आधार हो गया। नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, बीसी नाम दे देते हैं 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर यदि कोई समकोण त्रिभुज बनाना है तो किसी में एक में तो 90 डिग्री आपको बनाना ही पड़ेगा, तो चलिए हम लोग इसमें 90 डिग्री बना लेते हैं। आप चाहें तो बी में भी बना सकते हैं, नब्बे डिग्री का कोण बनिए। चलिए 90 डिग्री कोण बन गया, उसके बाद बोला है ये कर्ण 90 डिग्री सामने जो कर्ण होता है इसको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण 6 सेंटीमीटर हम लोग माप लेते हैं, आप बी से नाप के काट देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा।
देखिए 6 सेंटीमीटर माप लिए हैं, और देखिए यहाँ से हम लोग इसको कहीं जहाँ पर यहाँ पर कट रहा है यहाँ से हम लोग मिला देंगे। तो जहाँ पर मिला वही कर्ण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ नाम दे दीजिए इसका ए, ए ये 6 सेंटीमीटर हो गया होगा। दो नंबर भी है जो है आपका बन गया। आइए हम लोग अब 3 नंबर में बनाते हैं। 3 नंबर में है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ए 90 डिग्री कोण और बी भी 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 नंबर में है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समकोण कह दिया तो समकोण बनाना होगा, तो ए बी है 4.5 सेंटीमीटर, तो ए बी हम लोग को पहले लेना पड़ेगा। चलिए तो ए बी ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर पहले ले लीजिए। ए बी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समकोण समकोण त्रिभुज बोला ए में 90 डिग्री बोला है, तो ए में जो है 90 बनाना है। चलिए ए में हम लोग पहले 90 बना देते हैं इसमें। ए में जो है ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है, बोला है ना समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब एक 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 भुजा जो है मान लीजिए 4.5 है, तो दूसरी भुजा भी 4.5 होना चाहिए, है ना। तो एक यहाँ से हम लोग नाप लिए और यहाँ आके इसको हम लोग काट देते हैं। जहाँ पर कट गया वहीं से इसको मिला देंगे। तो जहां मिला आके ये हो गया आपका, ये जो है 4.5 ई भी हुआ, ये भुजा ए बी सी। अब हम लोग आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए वो कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए यदि एक भुजा 5 सेंटीमीटर और कर्ण है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक भुजा कितना से 5 सेंटीमीटर बोल दिया है, तो चलिए यहीं बन जाएगा एक एक जो है 5 सेंटीमीटर बोल दिया, तो लीजिए 5 सेंटीमीटर ले लिए हैं। नाम तो कुछ बोला नहीं है, बोला है कहीं कुछ नाम, नाम कहीं कुछ भी नहीं, आप जो मर्जी है वो रख दीजिए। ए बी रख दिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है हम बी में 90 डिग्री कोण बनाएंगे, क्योंकि समकोण बोला है, समकोण में बनाने के लिए हमको 90 डिग्री का कोण बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। हो गया, अब जो है ये 90 डिग्री कोण बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये कर्ण जो है 7 सेंटीमीटर, तो कर्ण इसका ये होगा, तो 7 सेंटीमीटर काटना है। तो 7 सेंटीमीटर माप के इसको भी यहाँ 7 सेंटीमीटर काट लेंगे, वो भी हो जाएगा, कर्ण बन जाएगा वो।
देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से भी काट देंगे तो भी हो जाएगा। कर्ण जो है 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो कर्ण जो है 7 सेंटीमीटर करने कर दिए। यहाँ लिख दीजिए हम सी, आइए 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। आइए हम लोग आप बनाते हैं 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर पर क्वेश्चन देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें कर्ण जो है 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक न्यून कोण 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कि हम लोग जो है एक 5 सेंटीमीटर का रेखा ले लेंगे, ले लिए, इसका नाम दे दिए ए, इसका भी 5 सेंटीमीटर अपने नाप से, ठीक है। इसमें जो है बी पर जो है हम लोग 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, और इसको जो है कोण को आगे बढ़ा देंगे, इसका रेखा को, और यहाँ समकोण बोला है इसलिए यहाँ पर ए में जो है 90 डिग्री का कोण हम लोग को यहाँ बनाना पड़ेगा। अब इस कोण को यहाँ से मिला देना है, तो जहाँ मिल जाएगा मेरा मिल गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ये जो रेखा होगा ये आपका यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर बन रहा है, नाप के दिखा दिए, ये 6 सेंटीमीटर कर्ण बन गया। तो ये आपका 5 नंबर बन गया है। अब जो है हम लोग अगला चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। अब यहाँ पर सब कंप्लीट हो गया है।